अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, और आपकी दुआओं से तो मैं पहले ही ठीक हूँ जी। अंदर से दुआवां करते हैं ना, मुझे सारा पता है। करते तो फिर टेढ़े आने दी दुआ ने, पर मैं फिर भी अपने दिल को आसरा दे रही हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते होंगे। लेकिन मैं कसम से आप सबके लिए ज़रूर दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक जो मुझे देख रहे हैं ना, वो तो वैसे भी मेरी सर आंखों पे है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, और जो मुझे नहीं ना देखते वो तो मेरे दिल में बसते हैं। और जो दिल में बसने वाले होते हैं ना, उन्हें तो इंसान कभी बोल नहीं सकता। तो ये पीछे आपको आवाज़ अगर आ रही ना तो आप अवॉइड कर देना, मेरी बहन पागल है। वो जब मैं वीडियो बनाऊँ ना, वो ऊँचा ऊँचा बोलती है। और दूसरे नंबर पर अभी आप देख रहे होंगे ये प्याजू के साथ क्या कर रही है। मैं इन प्याजू का बना रही हूँ कुछ चूमर, अगर बन गया तो, क्योंकि मुझे जल्दबाजी है बाहर जाने की भी। मैं घूमने जा रही हूँ, जैसे शाम होती है ना तो मेरा दिक्कत है मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँ। तो अभी वो जा रही हूँ, तो मेरा जो भाई है ना, इतना नखरे करता ना, अल्लाह कसम, दिल करते बस कुछ काट दवा देना, पढ़ने नहीं पढ़ाए ना, कुछ कर नहीं सकते। तो वो कह रहा जी मेरा दिल कर रहा है जी आमलेट खाने को। देखो इस टाइम किसका दिल करता है आमलेट खाने को, शाम के टाइम वो भी हाथ करके, पर उसकी ज़बान जो है ना बस ही चस्के मांग रही है। अजी जनानी आ लेना सेट कर देगी, और उसके बाद चले हैं। मैं साथ साथ आमलेट भी बनाती हूँ, और सोचा कि थोड़ा सा व्लाग भी बना लूँ। कसम से पूरा दिन टेंशन में गुजरते आए केरा व्लाग बनावा केरा बनावा, पर आप लोगों को ऊपर वाही नहीं होती। आप देखते हो मारा जो कमेंट्स करते हो, बस तू कौन तो मैं कौन, हम अच्छे दोस्त हैं, मुझे अच्छे तरीके से वाच किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। अगर आपको फीडबैक अच्छा होगा तो दिल मेरा अंदरू बारू खुश ही रहेगा। और वैसे एक मजे की बात बताऊँ, मैं तो हमेशा खुश और हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, चाहे मुझे दुख हो या जो भी हो। खुश रहना सेहत के लिए अच्छा होता है, और जो लोग मोटे हैं उनके लिए मेरे लिए यही एडवाइस है कि वो दिन भर रात रोया करें। अगर वो किसी से मोहब्बत करते हैं फिर भी रोएं, अगर माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तब भी रोएं। देखें मेरी बहन पागल है ना, वो पीछे से वादे भी देती रहती है। हाँ जी फ्रेंड्स, जब मैं सोच रही आमलेट बनाऊँ तो सोचा अंडा ही कोई, फिर सोचा मुर्गियाँ खुटले चु जाकर पहले अंडा तो बरामद करूँ। सिस्टर आप ही जाके अंडा उठा ला ना, मुझे थोड़ा डर लगे। और देखें मेरी सिस्टर कितनी अच्छी है, अंडा लेने जा रही है। हमने तो मुर्गियाँ घर की रखी हैं यार, दोनों ही उठा लो। और मुर्गियाँ मेरी स्लीपिंग कर रही हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अंडे की जरूरत पड़े तो बाग के ऊपर जाएं, और ऊपर जाके मुर्गी को देखें अंडा दिया तो ठीक नहीं दिता, तो उनको बाजी अंडा दे सिखाना है। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें ये दफल मिर्च है वो शामिल करूँगी, और ये मैं ऐसे सूखा धनिया ही है ये ऐड करूँगी हल्का सा। फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ी सी कलवंजी डाल लेती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए मैं हर डिश में डाल दिया। और हर बंदा आमलेट तैयार तो कर लेता होगा, लेकिन हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। और थोड़ा सा नमक जितना मेरा भाई खा ले। और जिस बहन का मैं जिक्र कर रही थी ना, मेरी पागल है, अभी वो पास ही है तो खामोश है। अगर थोड़ी सी दूर हो ना तो पता नहीं कौन से अंदर वाले होल उठते हैं, फिर चीहे मारते। ये देख लें, ये पहले अंडा एक टूट गया था ना, मैं पहले वो पा लूँ। इसके बाद मैंने उठाया अंडा, चले मैं मिक्स कर लूँ तो फिर तवे पे डाल के आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं तवा मैं फुल अग गरम कर लिया, उस तो बाद करन तो बाद जी एदे विच घ्यो सुट दिता, घ्यो सुटन तो बाद ऊन मुर्गी, आज मैंने मुर्गी तो नहीं बनाई पर उसका अंडा बना दिया। अब इसका अंडा करेगा अस्त अस्त और जाएगा मेरे भाई के पेट में। और चले साथ साथ ये डाल दिया, अभी इतना गर्म कोई नहीं हुआ ऑयल, लेकिन मैंने फिर भी गिरा दिया क्योंकि मुझे बहुत जल्दबाजी है, मैं बैठ जाऊँ, पर वो जब तक खाएगा नहीं हमें कहाँ लेके जाएगा। चले इसका फाइनल लुक फिर आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा तो प्लीज़ पीछे खींच लो, मेरे भरा ने खाना। तो इसका आप देख सकते हैं मैं कचूमर बनाने वाली हूँ। चले अच्छा मैं ज़रा पासा परत के फिर तुम्हें मिलनी है। हाँ जी फ्रेंड्स, मेरा आमलेट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, और जिसके अंदर मैंने पीसेस इसलिए कर लिए थे क्योंकि मेरे को परतान नहीं सी ना उड़िया, समझ आई था पिछली गल से नहीं ना सारी दसी थी, पर मैं फिर भी दस देनी हाँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्यारों के साथ।
आप जिन जिन से फ़ोन पे बात करते हैं ना, जो आपके अजीज़ हैं, उनको मेरा लिंक शेयर करें और उन्हें बोलना है कि इस बच्ची को फुल वॉच करें, ठीक है। और मेरी वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट करें, फीडबैक दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप सब की तो नहीं, अपने मियाँ की मैं भी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।